आपने पहचान लिया होगा, वही वाले प्रैंक वाले भैया हैं। सब ये पता सवाल क्या पूछ रहे हैं कि सालों को डिलीवरी हो गई तुम्हारी कब होगी? लोड ले जा रहे हो, धक्का लगा रहे पीछे से। मिला बीवी मोटी है मेरी, टेक्स्ट से ही मिलाऊंगा आज आपको ना, बहुत दिन से मैंने वीडियोस में नहीं मिला। सालों के प्रेगनेंसी में मोमो खाए, बच्चा हमारा मोमो जैसा ही होगा। देहरादून में किस हॉस्पिटल के अंदर जाना चाहिए तो आप कमेंट में जरूर लिखना, आपको बता। तो हे गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनुस्तापा, और कैसे हो आप लोग। गाइस अभी हम फिलहाल है वसंत विहार में, और जो कि अभी हम यहाँ चाय लेने आए थे, और अभी हो रही शाम, तो आज डिस्चार्ज का बन रहा है हमारा, तो अभी देखते क्या होता है। वो बोल रही थी या तो सुबह ले लो या अभी ले लो, तो अभी घर आ जाके बात करता हूँ तो आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो फिलहाल या तो आज लेंगे या कल सुबह। मैं तो ज़्यादातर सोच रहा हूँ कि अभी तक के लिए सोच रहा हूँ, अभी मिल जाता तो सही था, क्योंकि फालतू सुबह भी जल्दी निकलने के लिए बोल रहे हैं, मतलब सुबह तड़के कौन निकलेगा, और सुबह ठंडा भी बहुत ज़्यादा होता है। अभी निकल जाएंगे ढेर पेड़ में तो ठीक रहेगा। तो अभी आपको बताता हूँ सीन आगे क्या, बाकी चाय ले लेता हूँ अभी। माई गोगोई और हमारे भैया जी भी आए थे, ऐसे आए। कांग्रेचुलेशन आलू, क्या बहुत बहुत बधाई आपको, आप हंसते रहे, खिलते रहे, बिना खाते रहे, वो बन गया गाइस। ये मेरे से बड़ा भाई है हमारा, खुशी देख रहे हो मेरे चेहरे पे, देख सकते हो आप कितनी भयंकर खुशी है। पसीना पता नहीं क्यों आ रहा था गाइस, पता नहीं क्या है। और बाकी आप यहाँ देख सकते हो, बड़ी प्यारी सी जगह लग रही है मुझे, क्या ये तेरे हिसाब से? क्लियर मेरे हिसाब से तो वो लग रहा है। ओहो, नसियों का नसियों का अभी नहीं। और गाइस आप बाकी ये लोकेशन देख सकते हो, अभी जब मैं आ रहा था ना वहाँ से, कितनी भयंकर लग रही थी नई जगह, मतलब वहाँ से ना सनसेट हो रहा था, कितनी प्यारी लग रही थी। मैं रिकॉर्ड करने के लगा, बटन नहीं दबा, उतनी देर में उस जगह ही चली गई, उस पर पेड़ ही पेड़ आ गए। तो बाकी अभी वहाँ पहुँचते हैं, चाय लेते हैं, फिर निकलते हैं। तो गाइस हम चाय लेके जा रहे थे, तो बाकी आप देख सकते हो गर्म बहुत तेज लग रही है यार। यहाँ पर भी हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ना पुलिस वाले घूमते हैं। एक दिन मैं जा रहा था तो यहाँ पर ना ऐसे पुलिस वाले ना डंडा मारा एक को, जिसने हेलमेट नहीं पहन रखी थी। ऐसा नहीं कि रोक के मारा, चलती गाड़ी में मारा, और उस दिन से ना फिर मैं इस रोड पे हमेशा हेलमेट पहन के जाता हूँ। मैं ना देख भाई चाहे कुछ भी हो डंडा दिखाऊंगा, क्योंकि भाई बहुत गर्म हो रही है यार। अभी तेरा तो पिछवाड़ा ही मेरा था, शादी हो गई तो जरूरत नहीं है क्या? भाई जब हम पहुंच चुके हैं, हमारे भैया भी पहुंच चुके हैं। हेलो, आपने पहचान लिया होगा, वही वाले प्रैंक वाले भैया हैं। और ये हमारी बुआ जी, तो कैसा है मेरे तरह ना बिल्कुल एकदम? हेलो बाबू, हेलो बाबू, दूर रखो इससे। सालू तो आज पूरी औरत जैसी क्यों लग रही मुझे? तो गाइस आप देख सकते हो मेरी बीवी बिल्कुल औरत जैसी लग रही है। सब ये पता है सवाल क्या पूछ रहे, सालों को डिलीवरी हो गई तुम्हारी कब होगी? सब ये सवाल जितनी भी मुझसे भैया बोल रही, मैं तुम्हें शर्म नहीं आ रही क्या? अंकल तेरी बोल दिया, मैंने तुम्हारे से कम से कम 10-15 साल छोटा ही ना हूं। अंकल ने बोले तो गाइस मैं आपको बताता हूँ सीन। अभी मैंने जियोर को बोला है कि मैं थोड़ा ना डेकोरेशन वगैरह करके रख दो, अभी वो लोग कर रहे हैं, तो बाकी अब बताते हैं सीन आगे क्या है। वहाँ जाके पता लगेगा उन्होंने क्या करा है क्या नहीं किया। तो मैंने इतना बोला था कि थोड़ा अच्छा सा सजा दो, बॉबी को भी बोल जाता, मैंने अभी फोन करके बोला कि बॉबी भाई फटाफट घर चल जा, तो घर गया है। अब वहाँ जाके वो डेकोरेशन वेकोरेशन कर रहे हैं, तो बाकी यहाँ से अपना सारा पेपर वर्क करते फिर निकलते हैं। तो करते उसका दिखाते हैं आपको। अभी ना इसने पैसा पकड़ रखा ऐसे करके, दोनों उंगली से पकड़ रखा था। जय कर दो जय। हाँ भाई क्या खाएगी? मोमो खाएगी? मैं खाऊंगा, दबा के खाऊंगा, सब खाऊंगा। तो ये नहीं पता कि मुझे खाने वाली सब चीज़ अच्छी लगती है। तो तब हमारा सामान कितना कुछ है, अभी दो जने और गए हैं, और अभी लोग का देखिए लग रहा था पिकनिक मनाना है। बच्चा तो मैं नहीं जा रहा ना, मैं सामान ले आएगी, क्यों तुम पे भरोसा नहीं है मुझे? फिर बच्चा पकड़ लूंगा मैं। ये नहीं गई पक्का। सो गाइस यहाँ पर करते हैं बाय बाय, चले हम आराम आराम से, इसको हल्लो हल्लो करके आराम से निकालते रहते हैं यहाँ नीचे, फिर चलते हैं। देख लेता बस, प्रॉपरली चेक कर लेता, कुछ छूटा तो नहीं है मेरा सामान, क्या पता हो जाए कुछ। नहीं ये मेरा नहीं है, बाकी चलते फिर हम यहाँ से। हाँ भाई, हाँ छोड़ ना अभी यहाँ दे, चल आराम से, सब आराम से। नहीं मेरे कंधे में पकड़ लिया था, हाथ रख दे, चल 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 चल। इतने देर चल सकती हूँ मैं भी, इतनी देर चल रहा मैं, कौन सा तेज चल रहा? चल चल चल, आई कैसे थी मैं लोड होकर दी? हाँ इसे लोड लेके आ रहे थे, लोड लेके आ रहे, धक्का लगा रहे पीछे से। मैंने कहा बीवी मोटी है मेरी, अबे सोन रहे तो रहता सर ही उन्होंने पीछे से धक्का लगा रहे, जान लगा रहे एक आदमी तो पूरी। मैंने भाई जी रुक जाओ थोड़ी सी, मैं भी लगा लूँ। मैंने बोला मैं जा रहा हूँ, फिर पापा ने बोला तू गाड़ी तेज चलाता है, मैंने बोला आराम से चलाऊंगा बच्चा है, पापा ने बोला ना भरोसा नहीं है, मैंने बोला चलो ठीक है फिर आप ही ले जा लो। नहीं मैंने बोला चलो ठीक है मैं स्कूटी में आ जाऊँगा, तो स्कूटी में ही आया था मैं, अभी स्कूटी में ही घर चले जाता हूँ। चलो बाय कर दो, बाय, मिलते हैं फिर। चलो भाई बाय।
ठीक है चलो भाई, ठीक है चलो दादा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा बेटे, बाकी से बिठा दे, अब शालू बैठेगी फिर निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस प्लान में थोड़ा चेंज है, मैं जा रहा हूँ क्योंकि पापा को थोड़ा ना अटपटा सा लगता है पता नहीं क्यों तो बाकी मैं जा रहा हूँ, तो ये रही शालू, ये रही मम्मी और ये बच्चा पकड़ रखा है, तो बाकी हम लोग निकलते हैं। अब मैं सीधा आपको घर ही पहुंच के मिलूंगा क्योंकि बाकी शॉट मैंने आपको बताया था ना क्या शूट करूंगा, क्योंकि बहुत 5 की स्पीड में गाड़ी चलानी है मुझे आज, ये मेरा टास्क है, अब मैं आराम से भी चलाऊंगा यार, तो सीधा घर पहुंच के मिलता हूं आपसे। कालो किस मारे ली माई बाहे कोरियाना इमलाई हृदय रैली माई बीताऊंगा जीवन कालो किस मारे ली माई तो गाइस हम पहुंच चुके हैं जीवन। तुम्हें आराम से लाए हो कभी भी ऐसा हो तो सबसे पहले आप जो मंदिर में जाना चाहिए, जो कुल का मंदिर होता है, कोई भी चीज है आप जो स्थान बना रहे हैं वहाँ जाना चाहिए। तो हाथी जोड़ रहे के पहले जय जय कर दो जय, देख लो चिराग बाबू देखो बहुत टॉर्च दूर है दूसरा। अब चलते हैं देखते हैं बहन लोगों ने क्या प्रिपरेशन की है, पहुंचते हैं वहां पर दिखाते हैं आपको। इस मम्मी एंटर करते हुए और साथ में मैं भी ये कई नई गोठरे ली माई घोड़ा तो जला जो बन रेली माई ना। वेलकम बॉय, बेबी बॉय होना चाहिए था, चलो कोई नहीं जो भी है, बाकी सब लोग आ रहे हैं, इन लोगों ने किया है ये लोग हैं, बाकी आप देख सकते हो कितने प्यार से सजा रखा है। आप ये वाली लड़ी देख रहे हो, ये हमारे पिताजी ने लगाई है, सोचो कितना खतरनाक है, टैलेंटेड है भाई। जिन्होंने ये भी सजाया था केक काटने के लिए, पर ये अंदर थोड़ा ठंडा लग रहा है बच्चों को ना, तो अंदर लेके तुम लेके चले गए उसको, अब यहाँ पर नहीं काट सकते, और अच्छा लग रहा है देखो गुड़ा गुब्बारे हर जगह पड़े, हर जगह कहीं ना कहीं फेंक रहे इन्होंने। हाँ भाई डेक्सटर को तो पूछ ले, कोई नहीं पूछ रहा हूँ, अभी पूछेंगे ना थोड़ी देर में, और डेक्सटर से भी मिलाऊंगा आज आपको ना, बहुत दिन से मैंने वीडियोस में नहीं मिला है, तो आज जरूर मिलाऊंगा आपको डेक्सटर से, वो परेशान हो रखा है कि कहाँ गए मेरे घर वाले जो मुझे इतना प्यार करते थे, अब क्या करें, तेरा भैया आ रहा है मिलाते हैं आपसे थोड़ी देर में, अभी पहले केक काट लेते हैं। पता कैसा लग रहा है, मैंने डेकोरेशन किए, एक काम नहीं करा मैंने, बाजी मेरे बाजे बाजे ओए कुचरू चलो कंधे में बिठा के घुमाऊं तुम्हें भाई साहब, वो चाइनीज ओ होटल मार्केट का कुछ नहीं खाया मैंने क्यों नहीं खाने करी गए गाइस, हमने सालों ने प्रेगनेंसी में मोमो खाए थे क्योंकि मुझे पता नहीं, और बच्चा हमारा मोमो जैसा ही हुआ हल्का का देखना एक आ चुका है हल्का सा, चलो हो गया हो गया, मारे पढ़ना अच्छा और लगता है, पर मैंने पूरी कोशिश की है कि पहना नहीं है मेरे से पहना नहीं, और बाकी अभी फिलहाल खाना वाना खा लिया है मैंने, और आपको बता रहे थे कि डेक्सटर का सीन उतार था मैं, तो उन्होंने बाद मार सो रखा, दिखाता हूँ आपको भी ऐसे घूमने चल मेरा बच्चा अभी सुनो, आपका ना भैया हुआ है, ठीक है भैया हुआ है तो ना थोड़ा सा प्यार आपको कम कर रहे हैं, ठीक है इससे थोड़ा अभी करेंगे ना कुछ दिनों बाद बाबू, ठीक है नाराज नहीं हो रहा, बदमाश हो रहा मी करेगा कुत्तू तो बेचारा ये ना मतलब इतना परेशान हो रखा था ना, शालू भी इसके खेली आके आप वही है ना उस टाइम पे ये ना थोड़ा मतलब खेल खेल में ना भूल जाता है, मतलब अब वो तो है जानवर है बेचारा, थोड़ा खेल खेल में ना कैसा हो जाता है, सब लोग हैं यहाँ पर हमें तो खैर यहाँ सो जाऊंगा, और अब ऐसा लगता है कि आज तो मेरे साथ ही सोएगा, और मुझे डर इस बात की है सॉरी बेटे इस बात की है कि मेरी नींद हुई आज चक के, मैंने बोला आज मैं करूँगा, थोड़ा बाप होने का फर्ज निभाते हैं, और बताइए बेबी क्या कैसा, और सबको थैंक यू बोल देगा, थैंक यू सबको जिसने भी हमें बधाइयाँ दी,
हमें बहुत सारे लोगों ने बताई है, ये तो थैंक यू फॉर सब लोगों का, और इतने अच्छे से मतलब सब लोगों की ब्लेसिंग वगैरह ये सब चीज़ें मेरे साथ है, मेरी बीवी के साथ है, आगे मेरे बच्चे के साथ रहेगी, तो आप सभी का बहुत दिल से थैंक यू यार। जितने भी लोग जितने लोगों ने ब्लेसिंग दी, इतने सारे कमेंट आ रहे थे, इतने सारे मैसेज, मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाया, बट इतना बोलता हूँ कि थैंक यू हर एक चीज़ के लिए। हाँ कुछ ना कुछ, कोई चाचा फूफा अंकल आंटी बाकी बुआ कुछ ना कुछ तो बुआ तो एक आदि होगी मैंने नहीं बोला तो बुआ किसने बोला मौसियाँ बहुत बनी है मौसियाँ बुआ नहीं बने कोई। थैंक यू हर एक चीज़ के लिए। तो बाकी आपसे ऐसे ही मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, और कुछ शायद इसके बाद थोड़े दिन बाद ब्लॉग आए, अब पता नहीं कैसा रहेगा, रूटीन तो डालता रहूंगा। इतना बोलता हूँ सपोर्ट बनाए रखना अपना, और अच्छे से वीडियो मतलब देखा करो, लाइक किया करो, शेयर करा करो और वीडियो को, और जो नया होता है ना वो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। क्या करके जाना? सब्सक्राइब दीदी, वो बोल दो सब्सक्राइब, नो ये नहीं बोलना सारा। तो बाकी अब हाँ कर दिया हमने ये सब्सक्राइब सब्सक्राइब, तो बाकी ऐसे ही मिलूंगा आपसे नई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। और जिस हॉस्पिटल के बारे में इसके लिए बताया था, अगर आपको डिटेल की वीडियो चाहिए कि देहरादून में किस हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाना चाहिए, तो आप कमेंट में जरूर लिखना, मैं आपको बता दूंगा। आप बोलोगे तो मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी मतलब बनाना तो है मैंने, पर कुछ टाइम बाद, अभी नहीं, अभी मतलब खुद ही नहीं हूँ, पर ढंग से बताऊंगा आपको मैं अच्छे से हर एक चीज किस जगह जाना चाहिए। तो तब तक के लिए बाय बाय। पाप का फर्ज मैं निभा नहीं पाया और मैं नींद आ गई थी, सो गया था, और बाकी बहनें आ गई थी मेरी, फिर उन लोगों ने मुझे दूसरे कमरे में जाके सोया, मैं वहाँ जाके सोया।